हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 4 पाठ 6 ऐसे थे बापू। तो प्यारे बच्चों, यह कहानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की है। इस कहानी में यह बताया गया है कि वे कैसे इंसान थे, कैसे महात्मा गांधी जी ने अपने हर देशवासियों के साथ एकजुटता से रहते थे। महात्मा गांधी जी अपने देश के हर एक व्यक्ति को अपना समझते थे। बच्चों, इस कहानी में महात्मा गांधी जी की एक घटना का उल्लेख हुआ है, एक घटना को दर्शाया गया है। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बातें जानेंगे। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता जी का नाम पुतलीबाई था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बड़ा योगदान था। बच्चों, हमारे भारत को जो आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी में महात्मा गांधी जी का बड़ा योगदान था। उन्हीं की प्रेरणा से हमारा देश आज़ाद हुआ था। बच्चों, हम गांधी जी को बापू कहकर बुलाते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कि हम महात्मा गांधी जी को बापू क्यों कहते थे? क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे देश की आज़ादी में उनका बड़ा योगदान रहा और इसी वजह से उन्हें बापू या राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं। गांधी जी अहिंसा और सामाजिक एकता पर विश्वास रखते थे। गांधी जी को एकता पर विश्वास था। उन्होंने बहुत सी सामाजिक बुराइयों पर, सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाई। महात्मा गांधी जी का देश के लिए दिया गया योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। बच्चों, 30 जनवरी 1986 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। गांधी जी की याद में 30 जनवरी को हर साल भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। बच्चों, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। महात्मा गांधी जी अपने कामों को कैसे करते थे, वो देश के प्रति क्या काम करते थे, अपने देशवासियों के प्रति उनके मन में जो प्यार था, जो एकता थी, आइए हम इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। बापू देश के हर व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखते थे। पढ़कर मालूम करो कैसे। उदय, जल्दी जल्दी गृह कार्य समाप्त कर लो, मैं खाना लगाने लगी हूँ, माँ ने कहा। माँ, कल तो स्कूल की छुट्टी है, कल कर लूँगा, उदय ने चहकते हुए कहा। बच्चों, उदय की माँ ने उदय को कहा कि तुम जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, जल्दी से अपना होमवर्क ख़त्म करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ। तो माँ की बातों को सुनकर उदय ने कहा, माँ कल तो स्कूल की छुट्टी है, तो मैं काम कल कर लूँगा। उदय ने ये बड़े ही चहकते हुए कहा, यानी बहुत उत्साहित होकर कहा। छुट्टी क्यों है, माँ ने जिज्ञासा से पूछा।
बच्चों, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छुक, यानी माँ ने इच्छुकता से पूछा कि छुट्टी क्यों है। उदय ने जवाब दिया, माँ कल 2 अक्टूबर है। हाँ माँ, 2 अक्टूबर यानी गांधी जी का जन्मदिन। गांधी जयंती पर विद्यालय में छुट्टी होती है। बच्चों, माँ के जब माँ ने उससे सवाल पूछा तो उदय ने क्या जवाब दिया कि माँ कल 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर यानी गांधी जी का जन्मदिन और गांधी जयंती पर स्कूल की छुट्टी होती है। बच्चों, जयंती का मतलब होता है महान जो पुरुष होते हैं उनका जन्म दिवस। क्या तुम गांधी जी के बारे में जानते हो, माँ ने अगला सवाल किया। माँ ने उदय से पूछा कि क्या तुम गांधी जी के बारे में जानते हो। हाँ थोड़ा बहुत। माँ, क्या आप मुझे गांधी जी के बारे में बताएंगी। उदय ने कहा, हाँ माँ मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। फिर उसने माँ से कहा कि माँ क्या आप मुझे गांधी जी के बारे में बताएंगी, वे कैसे थे। उदय ने उत्सुकता से पूछा, यानी उदय ने अपनी माँ से कहा कि माँ क्या आप मुझे गांधी जी के बारे में बताएंगी कि वे कैसे इंसान थे। उसने जिज्ञासा से पूछा, यानी जिज्ञासा और उत्सुकता का मतलब होता है जब हमें किसी चीज़ की जानने की अधिक इच्छा होती है। माँ ने कहा, पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो फिर बताऊंगी। माँ ने उदय को क्या कहा। माँ ने कहा, पहले तुम अच्छे से हाथ मुंह धोकर खाना खा लो और फिर उसके बाद मैं तुम्हें गांधी जी के बारे में बताऊंगी। उदय खाना खाकर तैयार हो गया गांधी जी के बारे में सारी बातें सुनने के लिए। माँ बोली, बच्चों उदय गांधी जी के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक था, यानी वो गांधी जी के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने माँ से पूछा और वो जल्दी जल्दी खाना खाकर गांधी जी के बारे में सारी बातें सुनने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद उदय की माँ बोली, उन्होंने कहा, गांधी जी हमारे बापू थे। बापू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बापू जी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। एक बार की बात है, बच्चों जैसा मैंने आपको कहानी से पहले भी बताया कि हम उन्हें बापू जी क्यों कहते थे, क्योंकि उनका हमारी आज़ादी में इस देश को आज़ाद, अंग्रेज़ों से उनकी जो गुलामी थी उनसे आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए हम सब उनको बापू या राष्ट्रपिता कहकर पुकारते थे। तो उदय की माँ बोली कि गांधी जी हमारे क्या थे, बापू थे। और बापू क्या करते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बापू जी से मिलने के लिए बहुत से बच्चे आया करते थे। एक बार की बात है, एक दिन एक छोटे से बालक ने बापू की वेशभूषा देखी तो उसको बड़ा दुख हुआ। तो बच्चों, उदय की माँ ने बताया कि एक बार की बात है कि एक दिन एक छोटे से बच्चे ने जब बापू की वेशभूषा देखी, यानी उनके कपड़े देखे कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे, तो उस बच्चे को ये देखकर बहुत दुख हुआ। इतने बड़े बापू, देश भर के बापू, और शरीर पर कुर्ता तक नहीं, उससे रहा नहीं गया, पूछ ही बैठा, बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। बच्चों, उस बच्चे ने क्या सोचा कि इतने बड़े बापू हैं, इनको सब बापू कहकर पुकारते हैं, देश भर में जितने भी व्यक्ति हैं सब उनको बापू कहकर पुकारते हैं, लेकिन उनके शरीर पर कुर्ता तक नहीं है,
और उस बच्चे से रहा नहीं गया, यानी वो बच्चा पूछे बिना रह ही नहीं पाया। और वो और उसने बापूजी से पूछा कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। बापू ने बालक को प्यार करके कहा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं बेटा, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। बापूजी ने बच्चे को बड़े प्यार से सहलाकर क्या कहा कि बेटा मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, तो कुर्ते के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। बालक का हृदय पसीज गया। बच्चों, हृदय पसीजना मतलब दया आना। तो उस बच्चे को बापू की बात सुनकर दया आ गई और उसने कहा, मेरी माँ को सिलाई आती है, देखिए ना मेरे सब कपड़े वही बनाती है, मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूँगा, फिर तो आप पहनोगे ना। उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ को सिलाई आती है और देखिए मैं जितने भी कपड़े पहनता हूँ मेरे सारे कपड़े मेरी माँ बनाती है, तो मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूँगा, फिर तो आप कुर्ता पहनोगे ना। बापू ने पूछा, कितने कुर्ते सिल देंगी तुम्हारी माँ। बालक ने कहा, आपको कितने चाहिए, 1, 2, 3, जितने मांगेंगे उतने सिल देंगी। बच्चे की बात को सुनकर बापूजी ने उस बच्चे से पूछा कि कितने कुर्ते, यानी तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल देंगी। बालक ने कहा, आपको जितने चाहिए उतने सिलवा लीजिए, 1 सिलवाना है, 2, 3, 4, जितने चाहे आप उतने सिलवा सकते हो। बापू ने कुछ सोचकर कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, अकेला कैसे पहन लूँ कुर्ता। बापू ने उस बच्चे की बात को सुनकर कुछ सोचकर उस बच्चे से कहा कि बेटा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, तो मैं अकेला कैसे कुर्ता पहन लूँ। बच्चों, यहाँ इस बात का मतलब बापू ये समझा रहे थे उस बच्चे को कि जो बापू ने कहा कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बापू जो मुसीबत में होते थे, जो गरीब होते थे, उन सबके साथ थे। अगर वो गरीब खुश नहीं हैं, वे गरीब के पास कपड़े नहीं हैं, खाने को नहीं है, तो बापू जी भी उनके जैसे ही रहते थे। बापू की बात सुनकर बालक ने कहा, लेकिन कितने कुर्तों से काम चल जाएगा आपका, मैं माँ से उतने ही कुर्ते सिलवा लाऊंगा, बोलिए ना बापू कितने कुर्ते चाहिए आपको। बापू की बात सुनकर बालक ने फिर कहा, लेकिन फिर भी आप बताइए तो सही कि आपको कितने कुर्ते चाहिए, मैं माँ से कहकर आपके लिए उतने ही कुर्ते सिलवा दूंगा, बोलिए ना बापू आपको कितने कुर्ते चाहिए। बच्चों, यहाँ पर वो बालक सोच रहा था कि उनके परिवार में 4 सदस्य होंगे, 5, 6, 7, 8, 10 मान लेते हैं। उस बच्चे के दिमाग में एक ऐसा परिवार आया जिस परिवार में वो खुद रहता था, तो इतने ही सदस्य उस बच्चे के दिमाग में आए और उसने सोचा कि जैसा मैं अपने परिवार में रहता हूँ, बापूजी भी ऐसे ही परिवार की बात कर रहे हैं। बालक का आग्रह देखकर बापू ने कहा, बेटा मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं, जब तक उनमें से हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा मैं कैसे पहनूंगा भला, बोलो तुम्हारी माँ सबके लिए सिल देंगी। यह कहकर बापू बालक का मुंह निहारने लगे। बच्चों, जब बालक बापू से जिद कर रहा था, आग्रह कर रहा था, आग्रह करने का मतलब होता है निवेदन करना यानी मिन्नत करना, तो जब बालक बापू से मिन्नतें कर रहा था तो बापू ने उस बालक को कहा कि बेटा मेरे तो 40 करोड़
बच्चों 40 करोड़ भाई बहन हैं। जब तक उनमें से हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? बोलो अब बताओ, क्या तुम्हारी माँ इतने कुर्ते सिल देंगी? और ये बात कहकर बाबू उस बच्चे को बड़े ही प्यार से देख रहे थे। निहारना यानी प्यार से देखना। बालक सोच में पड़ गया, 40 करोड़ भाई बहन, ठीक ही तो कहते हैं बापू, जब तक इन सबके पास कुर्ते नहीं होंगे वे कैसे पहनेंगे कुर्ता? वे सबसे बड़े जो हैं, सबके बापू जो हैं। बालक बापू की बात को सुनकर सोच में पड़ गया, यानी वो सोचने लगा, 40 करोड़ भाई बहन। और उसके बाद उस बच्चे को बात समझ में आ गई और उसने क्या कहा कि ठीक ही तो कहते हैं बापू, क्योंकि बापू तो सबसे बड़े हैं और हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो सब छोटे हैं। तो जब बापू सबसे बड़े हैं और जब गरीब लोग कपड़े, उनके पास कपड़े नहीं हैं, तो हमारे बापू कैसे कपड़े पहन सकते हैं? भोले बालक की समझ में आ गया कि सारा देश ही बापू का परिवार है, हर एक देशवासी उनका बंधु है, वे सबके साथ ही सबके दोस्त हैं, एक कुर्ते से भला उनका काम कैसे चल सकता है? बच्चों उस छोटे से बालक की समझ में ये बात आ गई थी कि बापू का जो परिवार है, बापू के जो घर के लोग हैं, वो कौन थे? पूरा देश, उस देश के जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी देशवासी थे, वे सब बापू का परिवार थे और वे सब उनके साथी यानी उनके दोस्त हैं। तो भला एक कुर्ते से बापू का काम कैसे चलता? तो बच्चों आपने देखा इस कहानी में बापू कैसे अपने देशवासियों के साथ एकजुटता से रहते थे और उनकी यही सोच, उनकी यही सोच आज हमें आज़ादी दिला गई। तो बच्चों हमें भी बापू के अहिंसा धर्म पर चलना चाहिए, हमें छोटे बड़े का जो भेदभाव है उसे ख़त्म कर देना चाहिए, हमें जातिवाद को ख़त्म कर देना चाहिए, हमें ऊंच नीच इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। बच्चों सभी एक समान हैं, जैसे बापू जी पूरे देशवासियों को अपना परिवार मानते थे, ऐसे ही हमें अपने आसपास अपने दोस्तों के साथ कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।